वो जो खेल ही रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे कभी वहाँ जा रहे, कभी बोल रहे मैं यहाँ का, कभी बोल रहे मैं यहाँ का मैं वहाँ का, तो ऐसा ना करें। देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा हरिपुर में आज जन आशीर्वाद समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हुआ। जन आशीर्वाद समारोह में देहरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3000 लोगों ने अपनी भागीदारी इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की। बताते चलें कि चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार विधायक होशियार सिंह ने जनसभा की और स्थानीय जनता से रूबरू हुए। इस दौरान जनता द्वारा विधायक होशियार सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद समारोह से पहले हरिपुर बाजार से होते हुए एक भव्य रैली का आयोजन भी किया गया। जन आशीर्वाद समारोह में जनता को संबोधित करते हुए विधायक होशियार सिंह ने देहरा से उन्हें विजयी बनाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सियासी बाण भी छोड़े। उन्होंने देहरा के स्थानीय भाजपा नेता रमेश धवाला एवं रविंदर रवि की तुलना खो खो गेम से कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के यह दोनों नेता खो खो गेम खेलते खो गए। दोनों नेताओं को इन चुनावों में जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। खो-खो जो खेल ही रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे कभी वहाँ जा रहे, कभी बोल रहे मैं यहाँ का, कभी बोल रहे मैं यहाँ का मैं वहाँ का, तो ऐसा ना करें और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। और ये जो लोग विपक्ष को छोड़ करके एक विधायक इंडिपेंडेंट के पीछे पड़ गए हुए, तो इंडिपेंडेंट विधायक से क्या ले लेंगे भाई? अगर आपको बड़ा विरोध करना है तो विपक्ष बन करके उन लोगों का करो विरोध, मेरा विरोध करने से क्या मिलना? तो हमने यहाँ देखा कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हमारा विरोध करने चल पड़ते, एक हो जाते दोनों जब होशियार सिंह की बारी आती। तो उनको मैंने कहा कि भाई एक मत आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट देखें, मेरा विरोध करके क्या मतलब? आपको विरोध करना है, अगर कांग्रेस को विरोध करना है तो भाजपा का करे, भाजपा को विरोध करना है तो कांग्रेस का करे, भाई मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं तो दोनों पार्टी का हूँ, दोनों पार्टियों के जनता लोगों ने मुझे वोट दिए, तो मेरा जब विरोध करोगे तो बहुत बड़ी भारी नुकसान पार्टी का होता है, कोई भी पार्टी हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उनके मंडल ने हमारा विरोध किया, नुकसान किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का हुआ, ठीक है। वैसे अगर आज कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग हमारा विरोध करेंगे तो नुकसान उनका होना है, मेरा कोई नुकसान नहीं होना, मैं तो निर्दलीय हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा दोनों पार्टियों से कि भाई मेरा विरोध करके कोई मतलब नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, हमने तो इतिहास रचा है देहरा ने दोबारा जिता करके, तो जनता मेरी है, ये जनता मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। जो मर्जी कर लो, करोड़ों रुपए खर्च करो, शराब बांटो, कंबल बांटो, कपड़े बांटो, जो मर्जी कर लो, ये जनता मेरी है, मेरी जनता मुझे नहीं छोड़ेगी। चाहे मैं लड़ू इलेक्शन ना लड़ू, पर मेरी जनता मुझे नहीं छोड़ेगी, ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलेगी बिल्कुल। 2024 में अब हमने भी कुछ रणनीति बनानी है, अब हम आ गए हैं अपने वापस क्षेत्र में, अब रणनीति बनेगी, बड़ी तगड़ी रणनीति बनेगी, बहुत तगड़ी बनेगी, ठीक है। वो टेक फॉर ग्रांटेड ना समझे किसी को, और ना किसी को गुलाम समझे, जैसे वो जनप्रतिनिधि है तो हम भी जनप्रतिनिधि है, वो लोकसभा के तो मैं हमारे विधानसभा का हूँ, ठीक है। तो वो कमज़ोर ना समझे किसी को कि हम कमज़ोर हैं, हमने तो अपने हमारी ताकत बता दी, ज़बरदस्त ताकत बता दी, ठीक है। उनके दो कैंडिडेट दोनों को हमने हराया, एक को नहीं हराया, दोनों को हराया। विधायक होशियार सिंह ने उक्त नेताओं को सियासत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विधायक होशियार सिंह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी जमकर बरसे और कहा कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सांसद एवं मंत्री संभल जाएं क्योंकि जनता इस बार आपको भी जवाब देगी। यहाँ पहुँची है आशीर्वाद देने के लिए और हमने सभी का धन्यवाद किया, इन्हीं के कारण जो है मुझे जीत हासिल हुई है और मैंने इनका सभी का धन्यवाद किया। मैं 5 महीने से जो है इनसे मिल नहीं सका था, तो लोगों में एक ऐसी चर्चा फैला दी थी विरोधियों ने कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा बहुत सारी, तो कई लोगों ने मेरे लिए सुखने की मन्नतें की कि भाई जल्दी आ जाए, तो वो देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, यदि मैं इंडिविजुअली जाता तो बहुत समय लगना था, तो आज हमने इसका एक आयोजन किया। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय न्यू कृष्णा इम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा।